तो है व्हाट्सअप का आयुष, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू द आयुष राइडर। तो आज मूड कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मूड ठीक करने का अपना तो एक ही तरीका है कि बाइक लेके निकल जाओ, घूमा होगा भी तो थोड़ा सा घूमने निकला हुआ क्या नो। तो भाई अभी कैमरा का जो एंगल है वो सही कर रहा था, रुक जाओ भाई यार इधर जाना है। तो बेसिकली यहाँ से मतलब जा सकते हैं लोग, लेकिन मैं उधर से टांग कर लेता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। अगर सच कहूँ तो भूल गया था भाई, मतलब पीछे गाड़ी था तो भूल गया थोड़ा। तो जो कह रहा था मूड कुछ ठीक नहीं है आजकल, मतलब ऐसे ही छाया हुआ है मन पे, उसके बाद कुछ मतलब ऐसा कोई वजह नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा कुछ टाइम से। अभी वो हीरो जा रहा है हमारा गांव का, तो आज थोड़ा सा निकला हुआ हूँ, मतलब ऐसे डिसेंस की भटक रही है मन को। तो मेरे एक भाई था मेरा, मतलब गांव का बंदा, बहुत सारा कदस्त था उसके साथ, तो उसको फोन करके बुलाया, सब घुमाते हैं निकल गया बाइक लेके। तो ये जाने वाले हैं हम लोग, मतलब यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। वो प्लेस जो है भाई देख के मतलब आप लोगों को ही मन को शांति मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के लिए, मतलब वहाँ पे जाने का एक मजा ही अलग है, एक मजा ही अलग है, बहुत अच्छा जगह है वो। और शांत एकदम शांत है, जो दोपहर के टाइम में सबसे धूप रहता है इसलिए ज़्यादा कोई मतलब आता नहीं है। और अभी शाम होने को मतलब अभी बज रहा है, मतलब मैंने टाइम देखा नहीं है अभी इतने बजे हुए है, लेकिन शायद से 3 मिनट शाम के 3 बज रहे हैं अभी। तो जाते हैं वहाँ पे, रोड का मजा लो भाई, वीडियो छोड़ के मत जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। बहुत दिन से देख रहा हूँ कि व्यूज तो आते हैं ठीक ठाक ही आता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग दूर का ही मतलब गाँव का बंदा हो, और रोड इतना अच्छा तो नहीं है भाई। क्या हुआ इधर, क्या भाई ये बस क्या कर दिया इधर, मतलब घुसा दिया पूरा एक साइड पे। ओ सामने से बस आ गया, तो ऐसा कौन करता है भाई, एक साइड पे पूरा घुमा दिया, गिर गया था तो और नीचे उधर गया था तो क्या ये गड्ढे में जाके गिरता भाई। ऐसा भाई टांगिंग जो है टांग पे ज्यादा स्पीड नहीं करना चाहिए, और स्पीडिंग होता है तो ऐसा भी आप लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा, तो केयरफुली राइड करो भाई। और ये तो स्पोक का जो बस ड्राइवर है भाई, वो यही ऐसा उड़ाता है, बस चलाता नहीं है, उड़ाता है पूरा। तो कहाँ था मैं, भूल गया भाई। हाँ तो जाएंगे अभी वहाँ पे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे रोड का मजा लो आप लोग। और हाँ जो कह रहा था यार, वो सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे उधर रोड वगैरह हाईवे तो बहुत दूर है यहाँ से, मेरे भी 40 या 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा एक अच्छी रोड, मतलब स्ट्रीट रोड जो है हाईवे आप कह सकते हो। तो उस तरह के रोड की मतलब उस तरीके का रोड की जाने के लिए ऐसा जाना पड़ेगा भाई, और उस वजह जाना नहीं होता है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी जाएंगे बाइक के लिए निकलेंगे जाते हैं। तो आज हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन कैंसिल हो गया रीजन के कारण, तो शिवरात्रि को जो दिन था
उसके दिन पे मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जाएंगे की फ्लोर पे भक्ति करने के लिए, लेकिन कैंसिल हो गया भाई। देखो हेलमेट नहीं लगा था कोई भी, उसी के साथ ही उनके लिए भी तो एक हेलमेट लगा था यार। लेके निकलते हैं साथ को लेके चलते हैं भाई। अभी थोड़ा मन हल्का हो रहा है भाई बाइक लेके, अगर मतलब एक बाइक लवर जो है उनके लिए तो भाई कितना भी मतलब मूड ऑफ हो या जो भी हो, तो एक बार भाई हाथ में अगर बाइक आ जाए ना तो थोड़ा मस्ती करने के बाद अपने आप से मतलब मूड ठीक हो जाता है। देख रहे भाई कभी ब्लॉगर नहीं दिख रहा है क्या? वो लड़की देख रहा है बस क्या हो जा रहा है ये फोन इस बच्चे के सामने, मतलब अजीब अजीब से सवाल आ रहा है उसके मन में शायद। और मेरा जो दुनिया का माइक है पहले भी मतलब बहुत कमेंट आ रहा था पहले का जो वीडियो था उसको कि मतलब बहुत लूम ब्लास्ट आता है, साउंड आता है, नॉइज आता है, तो माइक भाई यूज करता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरा जो बैटरी है माइक का आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या कुछ लोगों को पता होगा जिसने दुआ का माइक यूज किया हुआ है या देखा है पहले, तो उन लोगों को पता ही होगा कि दुआ का जो माइक है उसको एक अलग से बैटरी डालना पड़ता है। मतलब अपने फोन पे तो चाहे घुसाना ही है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो मतलब नॉइस कैंसलिंग का जो फीचर जो मतलब सेटअप जो है उसके अंदर एक अलग से बैटरी डालना पड़ता है। तो मेरा जो बैटरी है वो खत्म हो गया था शायद, कुछ जो नॉइज आता है तो अभी इधर नहीं मिलता, वो वाला जो बैटरी है हमारे इधर नहीं मिलता, ढूंढ रहे भाई अगर नहीं मिलता तो दूसरे कहीं जगह से लाना पड़ेगा। नॉइस तो बहुत ज्यादा आता है या वॉइस जो है वो थोड़ा अलग आता है मेरा, जब चेंज होके आता है क्यों पता नहीं। ऐसे मैंने पहले मतलब खोल के देखा हुआ रहता है वो हेलमेट का वो पैडिंग था वो थोड़ा अपने अलग से माउथ के नीचे से कपड़ा डाल के भी देखा था, मतलब फेसिंग गार्ड जो होता है वही, तो तब भी नॉइज आ रहा था। मैंने समझा कि ये माइक का वो स्पॉन्ज है उसका प्रॉब्लम है यार, तो स्पॉन्ज ही मैंने चेंज कर दिया था। उसके बाद भी यार माइक का मतलब वॉइस इतना अच्छा नहीं आ रहा था, लॉन्ग नॉइज आ रहा था वो। तो उसके बाद मैंने जब मैंने जिस दुकान से मैंने खरीदा हुआ था माइक तो वहां पे गया, ये भाई खराब हो गया है शायद, वारंटी कार्ड लेके चला गया था। लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे कि इसके अंदर एक अलग से बैटरी डालना पड़ता है, तो बैटरी डाल के देखेंगे अभी जब मिलेगा और क्या करेगा। मुझे लगता है मुझे माइक ही चेंज करना चाहिए, इससे मतलब कितने दिन तक चलाऊंगा इसे और बार बार बैटरी तो डाउन होगा ही, उसको उससे अच्छा है कि मैं जो योनो का जो माइक है वही परचेस कर लूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब हमारे जो भास्कर भाई है तो उसने पहले मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए माइक ऑर्डर किया था मेरे का, तो वो वाला माइक पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा था बहुत, लेकिन मेरा जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं हो रहा था तभी टेक्निकल इशूज की वजह से,
तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था जी, और मुझे उस दिन के अंदर ही एक माइक चाहिए था, तो मैंने दुकान में जाके ये भाई परचेस कर लिया, लिया था अमाउंट जो फोटो ब्लॉगर क्लेम करते हैं सभी। अरे भाई क्या कर रहा है ये, ऐसे कोई क्रॉस उठा है भाई, मतलब अपने कमर पे हाथ दे के स्टाइल मार रहा है रोड के बीच में आके। और ये देखो भाई कितना क्यूट है वो कुत्ता, खेल रहा है, इतना अलग ही मजे हुए इन लोगों के, हमारे जिंदगी में पूरा छंद हो चुका है। तो हाँ मैंने तो बताना भूल गया था कि जहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो वो है नदिया है, मतलब उस जगह का नाम नदिया है, नदिया बीच कह सकते हो, या बीच नहीं है भाई, मतलब बीच का तो नीचे से पानी नहीं, मतलब दोनों दूर और साइड से क्या होता है यार भूल गया मैं, मतलब भूल हो गया हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है एक्सप्लेन करने में। और भाई क्या ये ट्रेन, बहुत गुस्सा आता है भाई यहाँ। तब तक देता है भाई इसका बाइक, या तो 35 देता है, कंपनी क्लेम करता था कि 60 देता है, मतलब लालच पे ले लिया, स्टाइल भी मारेंगे और माइलेज भी मिलेगा, लेकिन ऐसा स्कैम होगा नहीं समझा था। ये क्या भाई, देखो साउंड सुनो बाइक का, 800 है नहीं 900 नहीं 1000 है, 1000 है सिर्फ। क्या बोला तूने? देखो यार निकल भाई यार, क्या यार लेट करा दिया, सोचा था कि पहले निकलेंगे यार इससे, नहीं लड़की के हाथ पे का बाइक दोगे तो ऐसा ही होगा ना, क्या देख रहा है लड़की यार, ये भी देख रहा है भाई, मतलब एक माउंट खरीदो कैमरा लगाओ और निकल दो बाइक लेके, और लड़की रिएक्शन देगा, मतलब लोग मतलब ये समझते नहीं है किससे होता क्या है, इसलिए समझते नहीं है ये लोग, तो इसलिए शायद देखता रहता है कि क्या है क्या, मतलब क्या लगा रहा है ये, क्या करते हैं इससे। जस्ट साथ जाएंगे हम लोग, यहाँ से बहुत लेट होता है भाई, तो देखो म्यूनिसिपैलिटी वाला का जो है कितना अच्छा सड़क है इधर का, और हमारा जो सड़क है भाई दिखाने के लायक नहीं पूरा, तो अभी कभी घर से स्टार्ट नहीं किया वो ब्लॉग, क्या दिखाओ यार, कितना खराब रास्ता है हमारा, इसलिए नहीं करता अब वहाँ से। क्या कर रहा है ये कुत्ता, लग गया भाई कितना क्यूट है ये लोग, लेकिन पता नहीं यार क्यों मारते हैं लोग इस पर, बेचारे टाइप का है सभी, देसी जो कुत्ता है उन लोगों को कोई भी नहीं पालना चाहता, लेकिन जो बाहर का जो कुत्ता है, मतलब जो एक एक जाति का जो है, मतलब जात का, तो उन लोगों को पालने का बहुत शौक है लोगों को, उन लोगों को नहीं पालता। अरे भाई देख रहा है भाई, अच्छा ये भी नहीं समझ रहा है कि छोड़ क्या रहा है भाई, तू सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो पे आ चुका है, क्या ही कहूँगा, क्या ही कहना, तो दस से हम लोग टाइम लेंगे, और थोड़ा सा ही दूर नदिया का जो ब्रिज है, ब्रिज नहीं है भाई क्या है वो, मतलब नीचे से पानी नहीं पास होता, नीचे से पानी नहीं पास होता, फोन करके भाई डिस्टर्ब कर रहा था, अभी विश्व भैया आने वाला था, उन्होंने कहा था कि निकलेंगे मेरे साथ, लेकिन लेट, मतलब मैं थोड़ा सा लेट क्या हुआ, वो अकेले ही निकल गया, तो कॉल किया था 4-5 बार लेकिन नहीं उठाया, और अभी शायद वही कॉल कर रहा है,
तो भाई नजारा देखो यार, मन ताजा हो जाता है पूरा। देखो यार, व्यू देखो इधर का। जब भी मूड ऑफ होता है तब भी यहाँ आके मतलब कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। देखो नजारा देखो दोनों साइड का। इधर ज्यादातर कपल्स आता है लेकिन हम लोग भी आता है इधर। तुम लोगों को मतलब अच्छा लगता है इधर आने को, तो उतर के थोड़ा एक्सप्लोर करवा देते हैं आप लोगों को। गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज का जो मेरा मेन कंटेंट था वो था आप लोगों को मीडिया का जो ये नज़ारा है वो एक्सप्लोर करके दिखाऊं। तो वो हो चुका है और अभी ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो पे और शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा एंड गुड बाय।